हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज बताने वाला हूँ दोस्तों आज की करंट सिचुएशन के बारे में। आज दोस्तों कुछ मौसम बहुत मज़े का है यार। आज बहुत आसमान भी क्लियर होया हुआ है। इसके अलावा थोड़ी सी सोने का प्रोग्राम नहीं था क्योंकि धूप निकली आई थी, थोड़ा सा माहौल बन गया था। तो अपने छत पर आए हुए हैं और देख रहे हैं यार, थोड़ा सा धूप को इंजॉय कर रहे हैं। और आज जैसे कि आपको पूरा मुल्क के हालात पता है यार, कोरोना 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 हर जगह कोरोना फैला हुआ है और बस घर से कम ही बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे दोस्तों से बातें कर रहे हैं जैसे कभी कर रहे हैं आपके सामने है। उसके बाद बस और कुछ कुछ ख़ास है नहीं। जो वो है कारोबार वगैरह वो यार सही तरीके से आजकल चल रहे नहीं हैं। बस लोग परेशान हैं यार, इसकी परेशानी का हल क्या है। बस दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं मगर घर से बाहर निकल नहीं सकते। हुकूमत का कहना घर से ना निकलो, यार ये क्या है। और घर से क्यों निकले, हम सोचने की बात है, घर से क्यों निकले। इन्होंने स्कूल बंद कर दिए तो लोगों तो ठीक करा यार, वो तो हमारी फेवर में है। इस पर हम कुछ उंगली शुंगली नहीं उठाते, हमारी फेवर में है, ठीक है। तो स्कूल ओके हो गया, ठीक है ना। और ये बाहर निकलो तो दोस्तों के पास ना जो, अगर उन्होंने कहा ना हम तो उनको बस छोड़ देंगे, इनकी ऐसी की तैसी कर देंगे। हम आपको कह रहे हैं हमने ऐसा करना है इनके साथ, ये याद रखेंगे। पता नहीं पर छोड़े ना, हमने क्या करना क्या है, हमने कुछ भी नहीं करना है इनके साथ। अच्छा फिलहाल तो फिलहाल कुछ नहीं कर रहे इनके साथ, वो तो छोड़ो, वो तो अलग बात है। और आप सुनाए कैसे, ठीक हो। मुझे तो उम्मीद करता है, उम्मीद है कि आप ठीक ही होंगे यार, हर वक्त ठीक ही होते हैं। आपको पता है जैसे मैं बोलता हूँ आपको उम्मीद करता हूँ मैं आपको ठीक होएंगे आप वगैरह वगैरह फलान मकान वही जो सब कुछ। बस आज मौसम अच्छा था यार, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा आपके साथ गपशप लगा ली जाए। बस यार और कुछ नहीं चल रहा आजकल, बस पहले सर्दी हो जाती है, रात को इतनी ठंड हो जाती है बंदा यार, मैं कह रहा हूँ बंदा रसाई के ना बड़े सही। बस ओए हो इतनी लगती ना, मतलब ठंड होती है बाहर, बाहर हर जगह ठंड के अंदर रजाई के अंदर गर्मी होती है, तो बाहर निकलने का दिल नहीं करता। ऊपर से घर वाले बोल दे ना कोई चीज़, वो बेटा वो चक्के देना कोई बाहर से, मिसाल के तौर पर कोई जी भी कुछ चीज़ लेके जानी है वगैरह 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 उठा के देना, बंदे को मौत पड़ जाती है। वो यार गर्म रजाई छोड़ के बंदा जाएगा रात को, हो सकता है ना यार। इतनी मतलब मज़े की नींद आ रही होती है, पहली बात तो बड़ी मज़े की नींद आ रही होती है, ठीक है। दूसरी बात बिस्तर इतना गर्म होता है यार, मैं कह रहा हूँ बस वो ना सोचे यार गर्म, बस कुदरती गर्म हो जाता है, आपको पता ही है माशाल्लाह से। बस समझ गए होंगे आप आगे से कि गर्म हो जाता है बिस्तर, उसके बाद आराम से सोए पड़े होते हैं बिस्तर के अंदर, रात को तो अच्छा गुजर जाता है यार, बहुत ज़बरदस्त की नींद, ज़बरदस्त नींद आती है, तो कोई मसला इशू नहीं है रात का तो। लेकिन ये है यार, अगर सुबह सुबह किसी ने उठना हो ना, मिसाल के तौर पर ले अक्सर लोगों ने ऑफिस वगैरह जाना होता है, उन्होंने उठना होता है सुबह सुबह के भी, उनका मतलब ड्यूटी का टाइम होता है, तो वो मैं कह रहा हूँ किस तरीके से टाइम स्पेंड करते होंगे यार। मतलब रात को सोते होंगे वो तो ठीक है, रात को तो मज़ा है, रात का कोई इशू नहीं है, रात का तो मज़ा है यार, बस मज़े हैं रात के तो मज़े मज़े हैं। सुबह जब सुबह 7-8 बजे उठना होता है, ओए होए उस्ताद इतनी ठंड लगती है, ऊपर से फिर नमाज भी पढ़नी होती है यार, ये बात भी यार वो तो ठीक हो गया। तो ये रात को जब उसके बाद ड्यूटी के लिए उठना होता है, इतना यार बंदा करता है बस जाओ ही ना, लेकिन क्या करें यार, काम तो करना है ना हर किसी ने, तो वो तो फिर उठना पड़ेगा यार। तो मैं कोई एडवाइस दूंगा यार, उठो यार, काम ड्यूटी वगैरह करो अपनी है जो भी है, बट हमारे जैसे ही बंदे हैं जो उठते ही हैं भाई, रात को सोते हैं तकरीबन जाके 5:30 बजे। हमारे देख लें यार माशे में इतने लोग हैं रात को 5:35 बजे सो रहे हैं, 6 बजे सो रहे हैं, सुबह 2-2 बजे तक सुते पड़े हैं। वाह ये उनके मज़े हैं, उनके ऐसे मज़े हैं यार, बस बंदा क्या करे, बहुत मज़े हैं यार उनके, बहुत मज़े हैं, वो बस मज़े मज़े कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं हम उनको। लेकिन है ठीक है यार, वो रात को 6-5 बजे सोते, पता नहीं करते क्या हैं, हमें तो ये समझ नहीं आती करते क्या हैं यार वो, हमें कुछ सीक्रेट कुछ लिखे कुछ पता चले यार वो करते क्या हैं रात को, तो फिर हम थोड़ा सा समझ पाए। हाँ भाई वो 6 बजे तक 5 बजे तक 4 बजे तक जाग रहे हैं, सुबह 2 बजे तक सुते पे हैं, 2 बजे उठ रहे हैं जाके 1:30 बजे 2 बजे जैसे अगर रूटीन है, जैसे रूटीन है ऐसा आपस की बात है। मैं भी 5 बजे 6 बजे सोता हूँ रात को, हाँ जी सॉरी मैं भी रात को यही टाइमिंग है मेरी भी 5-4 बजे, वो बस मैं थोड़ा सा आपको पता है इंटरनेट में लगा रहता हूँ हर वक्त, बस लगे हैं उस्ताद जी यहाँ लगे हुए। और आप देख ले यार आजकल तो बस पबजी चल रही है, हर जगह पबजी चल रही है, पबजी। ओए भाई मैं गया बाज़ार में, कहते भाई यूसी लेनी है, मैनू कहते, मैं दुकान पर खड़ा हुआ था टेलीकॉम पे, कहते भाई मुझे यूसी चाहिए, मुझे कहते, मैंने कहा भाई मैं यूसी बेच रहा हूँ, क्या हो गया आपको, मुझे तो पता नहीं क्या है, मैं तो खेलता नहीं हूँ यार, ऐसे बात है तो लोग खेलेंगे बाद में, और जब आपको खेलेंगे बाद में यार। लेकिन आज यार यार माहौल बड़े ख़राब हो पड़े हैं, बच्चों को देख ले यार, बच्चे छोटे छोटे बच्चे लगे पड़े हैं यार पबजी में, क्या है क्या पबजी। मैं कह रहा हूँ अभी मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, अभी इंस्टॉल करके डाउनलोड करके उसको मैं आपको बताऊँगा यार है क्या पबजी। नेक्स्ट वीडियो में